राम राम सा जी, राम राम सा। पिछली बार जब मैं राजस्थान आया था तो मैंने आपको दिखाई थी जोधपुर से जैसलमेर के बीच चलने वाली डेजर्ट एक्सप्रेस। अब इस बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ राजस्थान में चलने वाली एक मीटर गेज ट्रेन। ये चलती है बिटवीन मारवाड़ एंड मावली, डिस्टेंस अराउंड 160 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा लगभग 6 से 7 घंटे। शुरू करें? नहीं दोस्त, ऐसे नहीं, आपको स्टाइल पता है, कमा जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए, और हाँ, अगर आप HD में TV पर कास्ट करके देख रहे हो तो आज मैं आपको एक ऐसा राजस्थान दिखाने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी ना देखा हो। तो चलिए मेरे साथ, थोड़ी सी स्माइल के साथ मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए #IncredibleIndia। एक ज़माना था जब मीटर गेज ट्रेन कितनी पॉपुलर हुआ करती थी और कितना लंबा रूट कवर करती थी, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई ये मीटर गेज ट्रेन की डिमांड होने लगी कम, और इन ट्रेन्स को अब कहा जाने लगा हेरिटेज ट्रेन्स। और आज मैं आपको इसी एक हेरिटेज ट्रेन की जो कि चलती है राजस्थान में उसका पूरा वर्चुअल जर्नी कराने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। अगर आप ये वाली हेरिटेज ट्रेन जर्नी प्लान कर रहे हैं तो इसका मैं आपको कॉस्टिंग और प्लस कोचेस प्लस टाइमिंग्स का बता दूं। देखिए, अगर आप देखेंगे चारों अनरिजर्व्ड कोचेस हैं, इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। वन वे जर्नी फ्रॉम मारवा टू मामली कॉस्टिंग है 70 रुपीज़। पहले कुछ 40 या 45 रुपये फेयर था, बट रिसेंटली इसका फेयर इंक्रीज़ किया गया है। टाइमिंग्स में भी रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं। मारवाड़ से अब ये चलती है 12:15 बजे दोपहर में और हम मावली पहुंचेंगे 6:30 बजे के आसपास। वहां से ये चलती है सुबह 7:15 के आसपास और आप मारवाड़ आ जाएंगे 1 या 1:30 बजे के अराउंड। और प्लीज़ जब आप प्लान कर रहे हो तो एक बार आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, बिकॉज टाइमिंग्स में काफ़ी यहाँ वहाँ चेंजेस किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है हाउ टू रीच। पहले मैं आपको बता दूं मैं कैसे आया हूं। मैं था जोधपुर, अगर आप देखोगे तो मैंने ब्रॉड गेज ली ट्रेन नंबर 04801 जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, मैंने वो ली। मैं यहाँ मारवाड़ पर उतरा और देखिए अब वहाँ पीछे ब्रिज देख रहे हो, ब्रिज क्रॉस करके आप आइए और आप आ जाएंगे यहाँ पर हेरिटेज ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। अब चॉइस आपकी है, जोधपुर से प्राइवेट रिक्शा वगैरह भी हैं बट वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं 1,500-2,000। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, ब्रॉड गेज ट्रेन लीजिए और आप उतर जाइए मारवाड़ पर। आप जहाँ से भी घूमने आ रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए वीगो ऐप। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप। वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम रीजनेबल रेट्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना डिपार्चर स्टेशन, अराइवल स्टेशन विथ द डेट ऑफ जर्नी एंटर कीजिए और जो भी ट्रेन आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। विद इन फ्यू सिंगल क्लिक्स आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर वीगो ऐप आपके पास ऑलरेडी है तो उसको अपडेट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मिलेंगे न्यू एंड अमेजिंग फीचर्स। अब तक मैंने जितनी हेरिटेज ट्रेन्स या आप कह लीजिए टॉय ट्रेन्स की, उनमें से मैं आपसे ये कह सकता हूँ इस वाली ट्रेन की हालत उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देखोगे पूरे प्लेटफॉर्म पर एक भी शेड नहीं है, पतरा वगैरह एक भी नहीं, और क्लीन, व्हेन इट कम्स टू क्लीननेस आप प्लेटफॉर्म देख लीजिए यहाँ की क्या हालत है। अब ये देखो, शायद ऐसा भी हो सकता है बिकॉज इंडियन रेलवेज जो सुनने में आया है ये ट्रेन होने जा रही है बंद, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू ब्रॉड गेज। अब वो जो भी है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो अब देखते हैं, मे भी शायद उसकी वजह से रेलवेज़ का इस जगह पर उतना ध्यान नहीं है। आप कोचिस की भी हालत अगर देखोगे सब
पहले ये टाइम देख लीजिए, अगर ये विजिबल हो, दिस इज़ 11:50। मैं आपको बता दूँ, पहले इस ट्रेन की टाइमिंग थी कुछ 11:20, फिर इसमें चेंजेस किया गया और अब ये निकलती है 12:15। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये लोको देख लीजिए, मीटर गेज का दिस इज़, अगर आप देखोगे YDM4। और भाई यहाँ का वेदर बिल्कुल मार, करंटली मैं आपको बता रहा हूँ, हालत ख़राब कर देने वाला वेदर है। तो लोको भी आपको दिखा दिया, लगभग 12 बज चुके हैं। इन नेक्स्ट 15 मिनट्स वी आर रेडी टू डिपार्ट। उस तरफ आप देखिए, वो है ब्रॉड गेज मेन स्टेशन, और इस तरफ ये रही आपके लिए मीटर गेज। दोस्त थोड़ा क्या है, धूप की वजह से ना लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। अब आपको इंटीरियर और दिखाने दीजिए, कोचेस का इंटीरियर, अगर आप ये वाली जर्नी प्लान कर रहे हो। चलें आइए, ये देखिएगा ये पूरा, ये यहाँ पर आपके लिए एंट्री। सबसे पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये वॉशरूम यहाँ पर दिए गए हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और इस तरफ आप सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए। ये छोटी वाली ट्रेन देख, यहाँ पर फैंस वगैरह दिए गए हैं, आप देखोगे, पर यहाँ पर कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। आप देख लीजिए, ये पूरा इसका इंटीरियर। टाइम देख लीजिएगा, शार्प 12:15, और हम मारवाड़ स्टेशन से डिपार्ट होने के लिए तैयार हैं। और दोस्त इस वाले व्लॉग में भी आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राजस्थान की मेरी एक और ट्रेन जर्नी। और ये है हमारा पहला ऑफिशियल हॉल्ट, रानावास। अब आपको बता दूँ, इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1880। सोचिए इतनी पुरानी ये ट्रेन है। पहले इसमें स्टीम लोको यूज़ किया जाता था, फिर डीजल किया गया, और यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत बड़ी आप कह लीजिए बहुत यूज़फुल ट्रेन। सिर्फ एक मिनट का स्टॉप है दोस्त, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएंगी। और एक आप ये वाला स्टेशन देखिए, इंटीरियर्स, इंडियन रेलवेज़ के इंटीरियर्स वाले जो है ना हेरिटेज ट्रेन के, आप स्टेशन देखिए। ये हम पहुँच चुके हैं रानावास। सो दिस इज़ ऑफिशियल हॉल्ट नंबर 2। 25 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हमारी हेरिटेज ट्रेन पहुंची है, ये है फुलाद। और आपको बता दूँ, यहाँ पर लगभग 15 मिनट का हॉल्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अब लोको चेंज किया जाएगा। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अभी करंटली लोको इस तरफ है, लोको डाला जाएगा इस तरफ, तो हमको जाना है इस साइड। हम आए थे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अब जाएंगे हम राइट साइड। तो लोको चेंज होते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। और उस तरफ खड़ी है मावली से आने वाली ट्रेन, वो ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है, बिकॉज सिंगल लाइन है, तो यहाँ पर उस ट्रेन को खड़ा कर दिया गया है। मावली से वो जा रही है मारवाड़, तो दूसरी ट्रैक पर अगर आप देखोगे ना, वो ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पर खड़ी है। पीछे आप ये देखिए फुलाद स्टेशन की बिल्डिंग। और आपको बता दूँ, यहाँ पर सेम नाम का फुलाद डैम भी है, जिसको बनाया गया था इन 1972। और अगर आप इस स्टेशन पर आ रहे हो दोस्त, यहाँ का फेमस है मावा, मेरा मीठा बंद है तो आई कैन नॉट ईट स्वीट, बट यदि आप आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ का मावा ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। आपको लोको दिखाना है भाई, लोको निकाल दिया गया है ऑलरेडी,
लोगों को दिखाने दो, बट आप ये स्टेशंस देखिए, अलग ही है। हल्की सी बारिश हो जाए ना, थोड़ी सी बारिश, मुझे लगा था मैं आया हूँ अक्टूबर, आज की जो डेट ऑफ जर्नी है दिस इज 7th अक्टूबर थर्सडे, मुझे लगा था बारिश होगी, बट यहाँ बिल्कुल भी बारिश है नहीं है। लोको लग गया, 3-4 पानी की बॉटल ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, 3-4 पानी की बॉटल और ले ली। भाई साहब अगर आप ये रूट प्लान कर रहे हो ना, प्लीज़ कैरी वाटर, जितना हो सके पानी कैरी कीजिए और ख़ुद का घर से फूड कैरी कीजिए। अब यहाँ से लाइन चेंज होगी, जैसा मैंने आपको बताया हम लेफ्ट साइड से आए थे, अब जाएंगे राइट साइड पर, और यहाँ से शुरू होंगे घाट वगैरह अब आपके लिए और इन्फोटेनमेंट। मौसम ने भाई जो हालत कर रखी है यार, अभी हम धीरे धीरे घाट घोरम घाट चढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे बंदर वगैरह, प्लीज़ बी केयरफुल बिकॉज विंडोज़ ओपन है, तो जो भी आपके पास सामान वगैरह है थोड़ा सा केयरफुल रहे यार। यहाँ पर तो कितने यार, ये देखो ऑफिशियल हॉल्ट नंबर 3, हम पहुंच चुके हैं घोरम घाट, जो जाना जाता है अपनी ट्रैकिंग के लिए, और मॉनसून में यहां पर ना जाने कितने लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं। स्टेशन ये देख लीजिए पीछे, अगर आप देखोगे पीछे ये रही स्टेशन की बिल्डिंग, कर्व्स ही कर्व्स आपको मिलेंगे, ब्रिजेस ही ब्रिजेस आपको मिलेंगे, और अगर इंडियन रेलवे से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ टू बूस्ट टूरिज़्म इसमें विस्टा डोम कोच या एसी कोच लगा दो। आई एम श्योर सी राइट नाउ दिस ट्रेन इज़ रनिंग इन लॉस, ये तो पक्की बात है बिकॉज पैसेंजर्स उतने हैं नहीं, तो आई एम श्योर अगर विस्टा डोम कोच लगेगा तो टूरिज़्म में और ग्रोथ होगी, प्लस इस ट्रेन की डिमांड और इंक्रीज होगी। यहाँ कोई नहीं है, देखो दूर दूर तक अगर आप देखोगे दिन में सिर्फ एक ट्रेन, सोचो दिन में सिर्फ पूरे स्टेशन पर एक ट्रेन है, और भाई जी यहाँ खड़े हैं, भाई जी आप सिर्फ एक ट्रेन के लिए खड़े रहते हो, तो जो चाय ठंडा पानी वगैरह बिस्किट वगैरह सब कुछ लेके बैठे हैं ओनली फॉर वन ट्रेन। आप सोचिए भाई ये होता है यहाँ पर अलग ही। आप देखो अगर मैं आपको पूरी वाइड लेंस में ट्रेन दिखाऊं, भाई आप ये वाली जर्नी कीजिए, बट कोशिश कीजिए मॉनसून बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर, मेरी एक्सपेक्टेशन थी। एक्चुअली क्या है, हम आ चुके हैं ऊपर, ऑल्टीट्यूड है तो यहाँ उतनी गर्मी नहीं है, यहाँ थोड़ी बहुत ठंडी हवा है, बट अगेन दोस्त थोड़ी सी बारिश हो जाती ना, अलग ही लेवल का सुकून है भाई यहाँ तो।
हमारी जर्नी का एक और स्टॉप और ये है खामली घाट। अब हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए वर्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूं जितना भी मैं आपको दिखा पाऊं, बट अगर आप राजस्थान घूमने आ रहे हो दोस्त, एक बार इस रूट को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। सोचिए सिर्फ 70 रुपये में, 70 रुपीज़ में आपको 6 घंटे की जर्नी मिल रही है। और क्या चाहिए, मैं तो कहूँगा फैमिली के साथ आइए एट द राइट टाइम और इस चीज़ को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। आई गेस 50% जर्नी अभी हमारी यहाँ तक हुई है। आप स्टेशन देखिए इस तरफ और इस तरफ देखिए घाट। कोशिश पूरी है वर्चुअली जितना दिखा पाऊँ, बट इतना लंबा दोस्त, इतनी लंबी जर्नी है तो आप भी समझ सकते हो। यस, घाट ख़त्म होते ही भाई अब पकड़ी इस ट्रेन ने स्पीड। ये है एक और स्टेशन देवगढ़ बदरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक कुंज बिहारी जी का टेंपल। और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो ये है कि वहाँ पर अंदर उस बिल्डिंग में काफ़ी बैट्स रहते हैं। अब आप सोचिए ऐसे वेदर में ऑन हो गया, एक ऑन हो गया वापस अंदर, सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है दोस्तों। अब पहुंचे हैं दौला जी का खेड़ा। है सिस्टम देखो, ट्रेन आई है, अब पीछे गार्ड साहब टिकट इश्यू कर रहे हैं, तो आई गेस 5 से 10 मिनट ट्रेन यहाँ रुकेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बिकॉज अंदर क्या है, कोचेज़ में चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो अगर आप मोबाइल कैमरा वगैरह कैरी कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बंद हो गया तो बंद हो गया, मैं सिर्फ 2 बैटरी कैरी कर रहा हूँ DSLR की। होपफुली जब तक जर्नी होगी तब तक बैटरी चलेगी। हाँ इधर आओ साहब, इधर आओ, आ रहे हो? ये कितने कितने हैं ये? 10-12 है। चलो ठीक है, और ये आप स्टेशन देख लो, ये है दौला जी का खेड़ा, है ना। रंगीलो राजस्थान के एक और रेलवे स्टेशन पर दोस्त आपका स्वागत है। अब हेरिटेज ट्रेन पहुंची है चारभुजा रोड, 2 मिनट का स्टॉप है। अब जल्दी से मैं आपको ये बता दूं, यहां से अगले 4-5 स्टॉप्स ऑफिशियल स्टॉप्स जो है वो मैं स्किप करने वाला हूं। बट आप सोचिए लोको पायलट का, इस वेदर में, इस गर्मी में, वो लोको पायलट ऑलरेडी इतना गर्म है, प्लस उस डीजल लोको में जहाँ इतनी आवाज़ हो रही है, वो मतलब ट्रेन को चला रहे हैं। सोचिए कितना डिफ़िकल्ट जॉब है। आप देख लीजिए, ये रहा चारभुजा रोड स्टेशन। भाई इतना लंबा सफ़र, आपको शायद चेहरे पर थकान दिख रही होगी, वर्चुअली आपको ये जर्नी देखने को मिल रही है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये वाली ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, यू नीड टू हैव पेशेंस। एंड स्पेशली अगर देखो मॉनसून मिल गया, बारिश मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर थोड़ा बहुत वेदर ऐसा मिला यहाँ पर, आप तब भी मतलब छाँव है, थोड़ा बहुत यहाँ वेदर नॉर्मल है, बट अगर आपको वेदर गर्मी वगैरह मिली, समझ लीजिए मतलब 6 से 7 पानी की बॉटल तो मैं पी गया। मतलब मैंने कभी इन अ सिंगल डे इतना पानी नहीं पिया जितना यहाँ पी लिया। और ये है हमारी जर्नी का 3rd लास्ट स्टॉप। अब हम पहुंच चुके हैं नाथ द्वारा, आपको पता ही होगा ये फेमस है श्रीनाथ जी टेंपल के लिए। और दोस्त आपसे यही कहूँगा, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो ना, आई वोंट रिकमेंड दिस ट्रिप। आप फिज़िकली मेंटली इतना थक जाओगे,
मैं थक गया तो आप समझ लीजिए, अगर आप लॉन्ग ट्रेन जर्नीज करते हैं तभी आप ये वाली मीटर गेज ट्रेन कीजिएगा। इस तरफ प्लेटफॉर्म देख लीजिए, पीछे ये बिल्डिंग, और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस तरफ भी स्टेशन है। और एक मिनट, अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊँ, ये देखिए इस तरफ भी प्लेटफॉर्म है और ये है ब्रॉड गेज 99%। हम आगे जाके इसी में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आपको फेस पर लो दोस्त लग रहा होगा, सीरियसली ट्रेन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा खाली हो चुकी है और बस जर्नी चल रही है। थकान है दोस्त, आपको चाहिए पेशेंस, सब्र को ना घोट के पी जाइए इस जर्नी में। ऑलमोस्ट एक घंटे हम लेट चल रहे हैं, कायदे से हम 6:30 पहुँच जाने चाहिए थे मैक्सिमम, बट नाथ द्वारा पे ही 6:15, 6:20 कुछ हो रहा है। अब देखते हैं कितनी देर में ट्रेन पहुँचेगी। ये जर्नी आपका पेशेंस टेस्ट करेगी दोस्त। मैं तो व्लॉगर हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, बट अगर आप राजस्थान घूमने आ रहे वाली ट्रिप प्लान कर रहे हो प्लीज़ थोड़ा सोच के कीजिएगा। और अगर आप राजस्थान में ही रहते हो, अगर आपने ये वाली जर्नी अब तक नहीं की है तो फिर तो ज़रूर कीजिए। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, बिकॉज करंटली हम हैं #रंगीलोराजस्थान, ज़रा कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। इस तरफ देख लो, अगर जवाब पता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लोग पूरी तरह से बोर हो चुके हैं, आई गेस यहाँ से अब कोई पहले ट्रेन क्रॉस होगी शायद, नॉट श्योर। फाइनली दोस्त, फाइनली टाइम हुए हैं 7:10। हमने शुरुआत की थी दोपहर को 12:15 बजे। इस तरफ आप ट्रेन देख लीजिए, ये खड़ी है, बिकॉज उस प्लेटफॉर्म पे क्या है बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो मैं इस तरफ आ गया हूँ, यहाँ आप देख लीजिए ब्रॉड गेज। अब आपको एक दो चीज़ें बता दूँ, मैं हूँ मावली जंक्शन, स्टेशन कोड MVJ, और ये फेमस है रबड़ी के लिए। और अब मैं हूँ राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए मावली से जोधपुर के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बट मावली से उदयपुर के लिए आपको ट्रेन मिलेगी। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ उदयपुर और फिर वहाँ से कहीं और, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा या फिर आप मुझे DM कर दीजिएगा। इतना ही कह सकता हूँ दोस्त, जर्नी में आया मज़ा बट थकान बहुत है भाई। अब यहाँ से उदयपुर पहुँचने के लिए मेरे को लगेगा 1.5 घंटा और, ठीक है। तो ये रही आपकी पूरी मीटर गेज ट्रेन। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। भाई उन लोको पायलट की सोचिए जो 12:15 बजे चले हैं, 7:10 को पहुँचे, कंटिन्यूस हॉन्किंग, और इतनी गर्मी में पूरी आफ्टरनून उन्होंने ट्रेन चलाई, सोचिए, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, टाटा टेक केयर। एक ज़माना था जब मीटर गेज ट्रेन कितनी पॉपुलर हुआ करती थी और कितना लंबा रूट कवर करती थी, बट आज बिकॉज अरे यार